राधा पवित्र हो गए, आप चिंता न करो। राजेश खोसला जी लुधियाना पंजाब से। जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी आपसे सुना है कि ये शरीर तो पांच तत्व का है और पांच तत्व में ही विलीन हो जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर गुरुजी मृत्यु किसकी होती है? ब्रह्म की, अज्ञान की, मोह की, आसक्ति की, माने हुए कल्पनात्मक भ्रम की। इस पांच भौतिक शरीर में ममता कर ली और ऐसी ममता कर ली कि मैं ही शरीर हूं। अब शरीर है मृत्यु वाला तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि वो उस समय भी नहीं मरता है पर मानने के कारण उसको जन्म जैसा भी प्रतीत होता है, मृत्यु जैसा। जन्मना और मृत्यु होना ऐसा समझ लो गाढ़ नींद और जग जाना। पर इसमें एक रहता है कि इसी शरीर में सोते हो, इसी शरीर में जगते हो, इसलिए मृत्यु और जन्म जैसा नहीं लगता, क्योंकि जगे तो फिर वही सैया, फिर वही। और मृत्यु एक ऐसी गाढ़ नींद है जिसमें जगने पर सब दृश्य बदल जाएगा। जब जगोगे तो माता पिता दूसरे, दृश्य दूसरा, घर दूसरा, यही क्रम चल रहा है। वास्तविक मरना किसी का नहीं होता है। पंच तत्व में लीन हो गए। आत्मा की जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के साथ तन्मयता है, वही उसको फिर नए शरीर को दिला देती है। नए शरीर में गया, वहां मान लिया मैं, फिर कर्म बने, फिर नया शरीर, फिर ऐसे क्रम चला रहा है। मृत्यु किसी की नहीं होती भाई। इसमें जो पांच तत्व है, वो अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, कोई मरा नहीं ना। आत्मा अविनाशी अजर अमर है। तो वो अपनी आसक्ति लेकर के, जैसे जड़ भरत जी जो पहले भरत रूप में थे, मृग में अपना मान्यता मान ली, उससे प्यार करने लगे, तो अगला जन्म उनको मृग का हो गया। जन्म का मतलब है पोशाक, जैसे पैसे वैसी पोशाक। पर वो इसलिए पोशाक समझ में नहीं आती कि पोशाक तो पहना और उतार दिया, दूसरी पहना पर हमें ज्ञान है, पर ये पोशाक ऐसी है कि उतरने के समय आप बेशुद्ध हो जाते हैं। जो मरता है मूर्छित अवस्था हो गई, और जब जन्मता है तब मूर्छित अवस्था हो जाती है, माँ के गर्भ से निकलती। जब होश हुआ तो नया जीवन, तो उसे ये भूल गया कि हम पुराना उतार के आ रहे हैं, बस उसे ही नया जन्म मानकर फिर वही शुरू कर देता है जिसके कारण उसका नया जन्म हुआ। यदि साधु संग हो जाए फिर उसको ये बात समझ में आई कि कब तक क्रम चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब नहीं, अब इस चक्र को हम काटेंगे, देखेंगे क्या है। और जहां वो भजन किया और अंतःकरण निर्मल हुआ तो कोई गांठ ही नहीं थी कि जिसे छोड़ना पड़े, वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उसका कहीं जन्म नहीं होता। या वो भगवत स्वरूप हो जाता है, अगर भगवान की तरफ से आता भी है तो जगत कल्याण के लिए आता है, और वो कर्म बंधनों से युक्त नहीं आता है। पर खूब भजन करो तब ये बातें समझ में आएगी, अध्यात्म की बातें हैं। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, लग तो रहा है, नहीं लग रहा, हाँ। इतनी ममता हो गई कि लगता है कि मुझे थप्पड़ मारा है ना, मुझे। और हमारा स्वरूप क्या, नैनम छिन्नंत्य शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चेनम क्लेदेन त्यापू न शूष्यति मारुता। आग जला नहीं सकती, अस्त्र छेद नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता। तो हम कहाँ फंस गए, इस पांच भौतिक शरीर की ममता। और इतनी जोर की ममता कि शरीर मेरा है ऐसा नहीं, मैं ही शरीर हूं, बस यही बात है। ये भूल अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। इसी के सुधारने के लिए संत महात्मा भगत सब लगे हुए। नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हृदय जब पवित्र होगा तब ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो बुद्धि से हम समझ रहे हैं वो बुद्धि अपवित्र है तो क्या समझ आएगी। पहले बुद्धि पवित्र हो। जैसे कोई नशे में हो, एक राजा जा रहा था, सवारी जा रही थी बड़ी राजवैभव की सवारी, तो एक शराबी लड़खड़ाता हुआ आया, बोले ए राजा बोल अपने हाथी की कीमत क्या है। तो वह सब आश्चर्यचक, ऐसे कोई बात करता है राजा से? राजा ने कहा भी ले इसको जाओ बंद करो, इसे सुबह बात करेंगे। सुबह बोले भैया हाँ हाथी खरीदोगे हमारा? बोले महाराज जो खरीदने वाला था तो गया, वो जो हाथी खरीदने वाला था शराब थी, वो तो गई महाराज, हम तो आपके जिलाए जी रहे। बातें अभी जो हमारी बुद्धि है वो अभिमान में है,
विषय रस में जहां पवित्र होगी तो ऐसे दिखाई देगा शरीर अलग अपना अलग, तभी तो जीवन मुक्त हो जाता। अगर ऐसा ना हो तो ये जितने महात्मा जन जो वास्तविक भगवान के मार्ग में, ये कैसे जीवन मुक्त होते, इसी शरीर में फंसे रहते, फिर उनका जन्म नहीं होता, जो इस शरीर से जीते जी आसक्ति खत्म कर देते हैं। अभी भजन बल से होता है, दूसरा कोई इसमें बुद्धि उद्धि काम नहीं करेगी। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, धीरे धीरे।